हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। मैंने ये जो नया वाला चैनल है यहां पे मैंने जनरल एप्टीट्यूड फॉर सीएसआईआर नेट एंड गेट मैंने अपलोड किया और अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। और ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आज मैं आपको बताऊंगा कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन जो होता है उसमें वन वन फंक्शन हम कैसे पता करते हैं। अगर कोई भी फंक्शन में दे रखा है तो वहाँ पे वन वन फंक्शन कैसे पता करते हैं, इसके बारे में आपको सामने आज एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। और बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक और हेल्पफुल है। इससे पहले मेरे जो आईटेप पे जाके मेरे पुराने शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस देख लीजिए जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे ट्रिक्स बता रखी, वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली राइट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम राइट। तो इसमें यहाँ पे हम बात करेंगे कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वन वन होता है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट बहुत ही हेल्पफुल है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन ऑलवेज वन वन, मतलब या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, वो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, वन वन होता है। फॉर एग्जाम्पल ई की पावर एक्स, इसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, वन वन होगा। और वैसे भी एक कंसेप्ट और होता है जो मैं आगे एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्यों ये वन वन होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। पर अभी हम एक इस ट्रिक पे फोकस करेंगे कि अगर कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, वन वन होता है राइट। तो सुन यहाँ पे एक और जो हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास याद रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज वन वन, तो सुन ई की पावर माइनस एक्स, और हम जानते हैं ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कैसा होता है। सुन यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास यहाँ पे किस टाइप का होता है, इस टाइप का हमारे पास ग्राफ होता है। तो हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन होता है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन इसका मतलब ये वन वन होगा। यस, दिस इज राइट। इसमें साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स जो होता है वो हमारे पास इस टाइप से चलता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉइंट वाइज मोनोटोनिक है, मतलब कुछ पॉइंट पे ये इंक्रीज कर रहा है, कुछ पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है राइट। तो ये लाइक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक नहीं है, मतलब न तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है न ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। इसमें लॉग एक्स की बात करेंगे तो लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ होता है राइट। और ये हमारे पास कंटिन्यूस इंक्रीज करता है, that's why this function is वन वन फंक्शन। इसमें लॉग एक्स की बात करें, लॉग मॉड एक्स की बात करें तो लॉग मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा और ऐसा होता है राइट। तो उस वजह से ये हमारे पास यहाँ क्या होता है, इसमें मॉड एक्स का ग्राफ में यहाँ पे हो क्या रहा है, वैसे भी सामने दिख रहा है यहाँ पे कि दो पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर पे तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है राइट। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। क्लियर है? तो ये ट्रिक है जिससे हम पता कर सकते हैं। इसमें वैसे एक और चीज होती है कि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे और वो एक पॉइंट पे टच करे तो वो हमारे पास वन वन होता है। यहाँ पे हम पैरेलल खींचेंगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा इसलिए वन वन नहीं होता है। इस टाइप से ये वन वन है, इस टाइप से एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए वन वन नहीं। ये ट्रिक है जो मैं आपके सामने आगे बताने वाला हूँ, है ना। इसमें नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर वन वन, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से वन वन है। तो इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो हम जानते हैं ये जो हमारे पास ग्राफ होता है इसका वो हमारे पास ऐसा होता है, तो ये फंक्शन वन वन होगा। यस, परफेक्ट, है ना, क्योंकि रेगुलर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। अगर हम बात करें मॉड एक्स के बारे में तो मॉड एक्स का ग्राफ हमारे पास ऐसा होता है जो डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, that's why this is not strictly increasing, so ये वन वन नहीं होगा। इसमें x square minus 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं x minus 1 का whole square, और अगर हम इसका graph खींचे तो इसमें ये हमारे पास ऐसा यहाँ पे ये point आएगा, तो ये parabola होगा हमारे पास और ये इस type का parabola होगा। तो इसमें ये भी हमारे पास क्या होगा, ना तो ये strictly increasing है ना ही decreasing है, है ना। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या होगा, वन वन नहीं होगा, that's why this is not right। इसमें इसकी बात करें तो ये हमारे पास आएगा x minus 1 into x माइनस 2, ये इस टाइप का आएगा। और हम जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये 1 और ये 3, और ये इस ग्राफ हमारे पास इस टाइप का होता है राइट। तो ये भी हमारे पास ना तो इंक्रीजिंग है न ही डिक्रीजिंग है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो होगा ये वन वन होगा, बाकी तीनों फंक्शन हमारे पास वन वन नहीं होंगे राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रिक टेक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सुन कैसी लगी ये ट्रिक, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और आने वाली जो क्लासेस उसमें और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आने वाला हूँ। और मेरे जो पुराने वीडियोज है वो यहाँ देख सकते हैं, सुनिए मेरी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोज़ हैं और ये मेरे जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। और इसमें मेरे दोनों चैनल, ये मेरा नया चैनल है जिसमें भी काम कर रहा हूँ, और इसमें मेरा पुराना चैनल जहाँ पर आप हायर मैथ्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इस टाइप की मेरी वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे पता पड़ता रहे कि हाँ ये भी आपको अच्छा लग रहा है राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।